टी टी एल स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जो कि एक टाइप का क्लास ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसका यूज लॉजिक स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स से मिलकर कंसिस्ट होता है इसलिए इसको ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट बोलते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर क्यू है जिसके बेस्ट टर्मिनल से एक रजिस्टर कनेक्ट है ट्रांजिस्टर Q1 का दो इमीटर टर्मिनल होता है दैट इज़ ए एंड बी जो कि इनपुट को शो करेगा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट जो है वो नैंड गेट के तरह बिहेव करता है इसका जो कंप्लीट सर्किट है वो टोटल फोर ट्रांजिस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है एंड ट्रांजिस्टर Q3 थ्री एंड क्यू के बीच एक डायोड D1 कनेक्ट रहता है एंड Q4 से हमें आउटपुट मिलेगा मिडिल में ट्रांजिस्टर Q2 टू कनेक्ट रहता है ट्रांजिस्टर Q2 टू एज इन्वर्टर वर्क करता है Q1 का जो आउटपुट होगा ट्रांजिस्टर Q2 उसको इन्वर्ट करेगा इस टाइप का सर्किट फास्ट इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज होता है जो रेजिस्टर R1 वन एंड यहाँ पर जो Q1 है वो एंड गेट की तरह बिहेव करता है जबकि जो Q2 है वो Q1 के आउटपुट को इन्वर्ट करेगा सो so, हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि Q1 वन एंड क्यू दोनों मिलकर एज नैंड गेट भी है करेगा एंड Q3 Q4 क्यू फोर टोटम पोल कनेक्शन में कनेक्टेड रहता है Q3 थ्री एंड क्यू दोनों एक ही साथ एक ही टाइम कंडक्ट कर सकता है लेकिन जब Q3 थ्री ऑन होगा तो आउटपुट हाई मिलेगा एंड जब Q4 फोर ऑन होगा तो आउटपुट लो मिलेगा मतलब जीरो आउटपुट मिलेगा अगर ए एंड बी दोनों इनपुट पर वन वन हम लोग प्लेस करेंगे मतलब जब ए एंड बी दोनों हाई होगा उस कंडीशन में क्यू वन कंडक्ट नहीं करेगा एंड ट्रांजिस्टर क्यू वन के कलेक्टर टर्मिनल से एक डायोड कनेक्ट रहता है जो कि क्यू टू को फॉरवर्ड बायस करेगा सर्किट में डायोड शो नहीं किया गया है पर उसके कारण जो क्यू टू है वो फॉरवर्ड बायस होगा भी सी सी से ट्रांजिस्टर क्यू टू में सप्लाई आएगी एंड ट्रांजिस्टर क्यू टू एक्टिव होगा इस टाइम रजिस्टर आर फोर के क्रोस पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप होता है सिंस Q2 कंडक्टिंग स्टेट में है सो जो करेंट है वो Q4 के बेस में जाएगी एंड ट्रांजिस्टर Q4 भी कंडक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन में मैंने ऑलरेडी बताया था कि Q4 जब ऑपरेट होगा तो आउटपुट जीरो मिलेगा बिकॉज Q4 में आने वाली करेंट कम्प्लीटली ग्राउंड हो जाएगी इसको नैंड गेट के ट्रूथ टेबल से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इनपुट पर जब ए एंड बी दोनों वन है उस टाइम आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है सो फर्स्ट कंडीशन में जब दोनों वैल्यू हाई होगा उस टाइम ट्रांजिस्टर Q2 टू एंड क्यू कंडक्ट करेगा एंड आउटपुट पर ज़ीरो वैल्यू मिलेगा नेक्स्ट कंडीशन में जब ए एंड बी दोनों वैल्यू ज़ीरो रहेगा मतलब दोनों लो रहेगा उस टाइम ट्रांजिस्टर Q1 में 0.7 पॉइंट वोल्ट फ्लो करेगा जिससे Q2 का बेस वोल्टेज भी रिड्यूस होगा Q2 में वोल्टेज रिड्यूस होने के कारण Q2 टू कट ऑफ रीजन में आ जाएगा एंड Q2 के क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगी इस टाइम रेजिस्टर R2 टू एंड आर से भी करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो ऑफ कंडीशन में है सो so, Q2 में आने वाली करंट रेजिस्टर R2 टू एंड आर में नहीं फ्लो करेगी एंड जब इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही है मतलब Q4 भी ऑफ स्टेट में होगा बट इस कंडीशन में भी से आने वाली सप्लाई आर के थ्रू ट्रांजिस्टर Q3 में जाएगी जिससे Q3 ऑपरेट होगा क्योंकि ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ है सो so Q2 की करंट रेजिस्टर R2 में नहीं जाएगी पर भी से आने वाली सप्लाई R2 के थ्रू ट्रांजिस्टर Q3 में फ्लो करेगी एंड जब Q3 कंडक्टिंग स्टेट में आएगा उस टाइम डायोड के थ्रू आउटपुट हाई मिलेगा इस टाइम Q3 थ्री मीटर फ्लो ओवर की तरफ बिहेव करेगा जिससे हाई वैल्यू प्रोड्यूस होगा नाइन गेट टेबल से भी इसका हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इनपुट वैल्यू जीरो जीरो है तो आउटपुट पर वन वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है पिछला लेक्चर में हम लोगों ने आर लॉजिक को देखा था दैट इज रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सो so, टी टी लॉजिक का हम लोग आर लॉजिक से कंपेरिजन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है वो रेजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर से मिलकर बिल्ट होता है वहीं पर जो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बिल्ट होता है मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर रहेगा वो मेन रोल प्ले करता है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का रिस्पॉन्स स्लो होता है जबकि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मच बेटर देन आर होता है दैट इज रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक में हाई पावर लॉस होकर होता है जबकि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में लो पावर लॉस होकर होता है रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक काफ़ी सिंपल होता है उसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन काफ़ी सिंपल होता है जबकि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है और वी कैन से कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन रजिस्टर लॉजिक का यूज़ ओल्ड कंप्यूटर्स में किया जाता है जबकि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का यूज ऑल द मॉडर्न डिजिटल सर्किट्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स में किया जाता है टी के इस सर्किट में मैंने दो इनपुट को कंसिडर किया है मोर देन टू इनपुट हो सकता है देर आर मेनी एडवाटेजेज ऑफ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक अदर लॉजिक फैमिलीज़ के कंपेरिजन में हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में लो पावर लॉस होकर होता है इस टाइप का सर्किट एम्पलीफिकेशन विथ स्विचिंग प्रोवाइड करता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज मोस्ट वाइडली किया जाता है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स टेस्ट इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन सिंथिसाइजर्स ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का इन्वेंशन 1961 में हुआ था बाय जेम्स एल जिन्होंने इस पर्टिकुलर सर्किट को इंट्रोड्यूस किया था ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का ओरिजिनल नाम ट्रांजिस्टर कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक था दैट इज टी सी टी एल फर्स्ट कॉमर्शियल इंटीग्रेटेड सर्किट टी टी एल नाइनटीन सिक्सटी थ्री में मैनुफेक्चर्ड हुआ था प्राइमरी ट्रांजिस्टर मेनली दो टाइप का होता है बी जे टी दैट इज़ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड एफ ई टी दैट इज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को शॉर्टली बीजेटी बोलते हैं बीजेटी एक टाइप का नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है जो कि टू कॉन्फिग्रेशन में क्लासीफाइड होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर यूजुअली सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए एन पी एन ट्रांजिस्टर को प्रीफर करते हैं जब दो पी टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल के बीच में एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल को प्लेस करते हैं तो पी एन पी ट्रांजिस्टर कंसिस्ट होता है वहीं पर जब टू एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल के बीच एक पी टाइप मटेरियल को रखकर ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन करते हैं तो एन पी एन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें